रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी का निवेश कर रहे हैं, उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लोग सामान खरीदने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार बाजार में सामान नहीं आ रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में आता है कि सरकार की नीतियां कीमतों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि सदन में इस बात का गंभीरता से विचार किया जाए। माल को इधर से उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है, उसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह तो अवश्य कहा है कि कीमतों में वृद्धि होने से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु इसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं? इस संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि थोक मूल्यों में लगभग 8% की वृद्धि हुई है, इसमें इससे अधिक वृद्धि हुई है। पैराग्राफ चेंज। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है, उसमें बिना विदेशी पूंजी निवेश के हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश भर में, इसके जो खतरे हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुझे दुख है कि यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी धन देश में लाना चाहते हैं, वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है, यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी धन पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है, वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में धन
चंद लोगों के पास एकत्रित होता रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में ना जाने पाए, पूंजी को कुछ ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो इरादा किया है उस इरादे को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्टॉप।